स्टूडेंट्स, तो देखते हैं रिवाइज मैथमेटिक्स सिलेबस क्लास 9 एंड 10 स्टैंडर्ड। आप जानते हो आपके इस मैथमेटिक्स का जो कोड नंबर होता है 041-2020-21 सेशन। देखिए, सीबीएसई ने ये कोविड-19 के चलते नज़र मैथमेटिक्स का 9 और 10 का सिलेबस को रिड्यूस किया है, कम किया है। अब वो कौन सा सिलेबस किया कम किया है, चलिए देखते हैं हम उसके उसमें। आप जानते हो ऑब्जेक्टिव क्या आएंगे बेटा, तो चलिए बेटा ये देखिए, ये क्लास 10 का है आपके सामने कोर्स स्ट्रक्चर। ओके, कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10 नंबर सिस्टम है बेटा, जो 6 मार्क के लिए दिए गए आपको। अलजेब्रा 20 मार्क के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क के लिए, ज्योमेट्री 15 मार्क के लिए, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क के लिए, मेंसुरेशन 10 मार्क के लिए, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 11, ऐसे मिला के 80 मार्क का आपका पेपर होगा। तो स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम। इसमें जो अलजेब्रा में जो नंबर सिस्टम में जो आएगा, जो नंबर सिस्टम हमें कितने मार्क के लिए दिया गया, 6 मार्क के लिए दिया गया, उसमें क्या क्या आने वाला है। जिसमें रियल नंबर आता है आपको, उसमें फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक के स्टेट अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम देखना पड़ेगा। वर्क डन अर्लियर बेटा आफ्टर इलस्ट्रेटिंग मोटिवेटिंग थ्रू द एग्जांपल प्रूफ इरेशनल और रैशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर बेटा। ओके, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकॉर्डिंग डेसिमल, ये _2, _3, _5, _7 के बारे में इंफॉर्मेशन। अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, देखिए अलजेब्रा आपको कितने मार्क के लिए दिया गया है, 20 मार्क के लिए। तब 20 मार्क के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर करना पड़ेंगे, तो सबसे पहले अलजेब्रा में आपको पॉलिनोमियल करना पड़ेगा, जीरो पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखना होगा। नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर है जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें आपको देखना है ग्राफिकल मेथड देखना है आपको लीनियर इक्वेशन की, इसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी देखना है बेटा। उसके बाद में हमें देखना है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल अलजेब्रिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम यानी वर्ड प्रॉब्लम हो गया बेटा, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन की एक मेथड होती है वो हमें इसमें देखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया आपको, ये तो लर्न होगा बेटा। उसके बाद में आपको ओनली रियल रूट आपको देखना है बेटा, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करनी है उसमें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और बेटा बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट आपको इसमें करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी कहते हैं बेटा, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डेरिवेशन ऑफ एनथ टर्म, ये पूछा जाएगा बेटा फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये यूनिट 3 दिया गया बेटा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 6 मार्क के लिए दिया गया, तो चलिए देखते हैं हम 6 मार्क के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या पूछा जाएगा बेटा। देखिए 6 मार्क के लिए आपको लाइंस टू डायमेंशन आपको इसमें पूछेंगे बेटा। रिव्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ इक्वेशन डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला, ये सभी आपको करना है 6 मार्क के लिए। बाद में ज्योमेट्री आपको, ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल है बेटा जिसमें डिफिनेशन है, एग्जांपल है काउंटर एग्जांपल, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में आपको देखना है, उसके थ्योरम वगैरह के प्रूफ वगैरह आपको उसमें देखना है। पैरेलल साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट टू अदर बेटा, उसके बाद में डिवाइड टू साइड ऑफ ट्रायंगल सेम रेशियो में, ये देखना है आपको। ट्रायंगल ऑफ बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द इक्वल बेटा, ये देखना है बेटा आपको। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ये भी देखना है बेटा आपको, ठीक है। नाउ फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल अनदर ट्रायंगल एंड बेटा साइड इंक्लूडिंग एंगल प्रोपोर्शनल, ये देखना है बेटा आपको, ठीक है। बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉन टू वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, ये देखना है आपको। उसमें राइट एंगल बेटा स्क्वायर हाइपोटेनियस, ये आपको इसमें देखना है थ्योरम के साथ में प्रूफ में। उसके बाद में आता है ज्योमेट्री में सर्कल सेकंड चैप्टर बेटा, टेंजेंट सर्कल पॉइंट कॉन्टैक्ट प्रूफ इसमें थ्योरम है बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द इक्वल, ये भी थ्योरम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पूछेंगी। कंस्ट्रक्शन जिसमें डायग्राम आपको बनानी है बेटा, जिसके बारे में आपको दिया गया है बेटा डिवीजन लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को हम डिवाइड करेंगे बेटा इस तरह बेटा, ठीक है, इस तरह डिवीजन करेंगे। टेंजेंट सर्कल, ये सर्कल बना के टेंजेंट निकालना है इस पर बेटा हमें, ये पूछा गया बेटा। उसके बाद में चैप्टर नंबर 3, 5th है ट्रिग्नोमेट्री, यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूछा जाएगा बेटा उसके एक्यूट एंगल के राइट एंगल ट्रायंगल में 30, 45, 60 की प्रॉपर्टी पूछी जाएंगी बेटा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से इसमें बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, इस तरह की आइडेंटिटी पूछेंगी। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में वर्ड प्रॉब्लम 30, 60 पे डिपेंड बेटा वर्ड प्रॉब्लम आपको पूछे जाएंगे। नाउ 6 नंबर का जो चैप्टर बेटा एरिया रिलेटेड सर्कल, जिसमें आपको पूछा जाएगा सर्कल के बारे में, सर्कल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे बेटा, सर्कमफेरेंस होगा, फिगर होंगी बेटा, सेगमेंट होंगे 90 डिग्री के बारे में, जो 90, 60 डिग्री के एंगल के बारे में पूछा जाएगा बेटा। प्लेन फिगर होंगी बेटा, उसके अंदर सिंपल क्वाड्रेटिक सर्कल शुड बी टेकन, ये भी होगा बेटा। उसके बाद में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में आपको पूछा जाएगा बेटा।
क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्पीयर है बेटा, हेमी स्पीयर है, सिलेंडर है, कोन है, इसके बारे में। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग बेटा कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ द मेटेलिक सॉलिड इंटू अनदर, यानी मान लो हम सर्कल को बेटा उसको हम स्क्वायर बना सकते हैं या सिलेंडर बना सकते हैं, उसको कन्वर्ट करना, ये बताना है बेटा। और लास्ट का टॉपिक है बेटा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, मीन मीडियम मोड को हमें इसमें दिया गया बेटा स्टेप डिविएशन मेथड बेटा टू फाइंडिंग मीन एंड ओके मोड। प्रोबेबिलिटी में पूछा गया बेटा क्लासिक डिफिनेशन प्रोबेबिलिटी सिंपल प्रॉब्लम बेटा ओके। ये सारे बातें बेटा आपको बेटा 80 मार्क के लिए पूछा गया बेटा, और इसमें बताया गया यहाँ पर स्टैंडर्ड मैथ के बारे में और बेसिक मैथ के बारे में। लेकिन बट इसमें से पार्ट कौन कौन डिड्यूस हुआ आज हम ये देखेंगे। मैथमेटिक्स का ये सबसे IMP पार्ट है बेटा, जो कौन सा पार्ट इसमें से का कम हो गया। डिडक्शन बेटा इसको हम बोलेंगे बेटा डिडक्टेड पोर्शन। देखिए चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में कोई भी रियल नंबर का बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा को कैंसिल कर दिया गया, ये ध्यान में रखना है आपको। अलजेब्रा में बेटा पॉलिनोमियल में बेटा स्टेटमेंट सिंपल प्रॉब्लम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल ऑफ रियल कोएफिशिएंट, ये कैंसिल कर दिया गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कैंसिल कर दिया गया बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा सिचुएशन प्रॉब्लम रिड्यूसिबल, इसको कैंसिल कर दिया गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेटा सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस सम ऑफ टू एन टर्म, इसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद में बेटा यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैंसिल कर दिया गया। ट्रायंगल में प्रूफ फॉलोइंग थ्योरम आर डिलीटेड, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, इसको कैंसिल हो गया। ट्रायंगल इफ द सम इज वन साइड ऑफ द इक्वल सम ऑफ द बेटा स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स एंगल अपोजिट, ये दोनों को कैंसिल कर दिया गया बेटा। सर्कल का नो डिलेशन, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ बेटा। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर गिवन ट्रायंगल कैंसिल हो गया बेटा। उसके बाद में हम देखेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री में मोटिवेटेड रेशियो विच इज डिफाइंड 0 to 90 degrees का कैंसिल हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैंसिल होगा बेटा। हाइट ऑफ डिस्टेंस में कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। मेंसुरेशन में बेटा एरिया रिलेटेड सर्कल में बेटा प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल एंगल का कैंसिल हो चुका है बेटा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बेटा फ्रस्टम ऑफ कोन को कैंसिल कर दिया गया। और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में बेटा स्टेप डिविएशन मेथड मीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैंसिल, ग्राफ को कैंसिल किया। और इसमें प्रोबेबिलिटी में नो डिलेशन, ये था बेटा मैथमेटिक्स का बेटा डिडक्शन। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।